बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं हाउस ऑफ क्वालिटी फिजिक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? बाय वर्ड रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन। ये एक पर्टिकुलर ऑपोजिशन है, अगेंस्ट फोर्स है, किसकी, किसके लिए ऑपोजिशन फॉर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू कंडक्टर। जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर में से पास आउट होता है, मूव करता है, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस, जो अपोजिशन फील करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये अपोजिशन आती कहां से है? ये आती है, occurs due to atoms present in material। क्योंकि material में atoms होते हैं, ठीक है, ये atoms जो हैं ये एक obstacle का काम करते हैं, ठीक है, ये obstacle का काम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। क्यों? कुलियंस होती है, ठीक है, कुलियंस होंगी तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अपोजिशन आएगी। जैसे कि प्रीवियसली भी आपने पढ़ा कि दैट अपोजिशन कॉजेज अ पर्टिकुलर टर्म दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं, कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस। कंडक्टर्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है, उनमें हमने पढ़ा कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, और इनमें करंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। बिकॉज व्हेन रेजिस्टेंस इज मिनिमम, करंट विल लार्जर और करंट विल मैक्सिमम इन कंडक्टर्स। आप इसे इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। जो रेजिस्टेंस है दैट इज इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन रेजिस्टेंस offered resistance causes loss in energy of electron। ये जो resistance है ये क्या करवाती है? electron की energy lose करती है। that energy appear as heat। ये energy जो है वो heat के तौर पे appear हो जाती है, ठीक है, जिससे physical state constant नहीं रहती। तो इस physical state constant ना होने की वजह से हम क्या कहते हैं? non-ohmic का device का non-ohmic हो जाना, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बेसिक ओम्स लॉ में जाएं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वी ओवर आई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला डिपेंड किस पे करती है, ये हमने पढ़ लिया, डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशंस, डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस? SI units are ohm. So 1 ohm, ohm is the symbol of omega. 1 volt divided by 1 ampere of current. So that is the symbol of ohm. We can redraw it as 1 ohm. ठीक है, ये इसका सिंबल है। हाउ कैन वी डिफाइन 1 ओहम? सो वी कैन डिफाइन इजीली 1 ओहम एज द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम इफ 1 ampere of current passes through conductor due to 1 volt of potential. So that is the statement of ohm. We can make the statement from the given formula. The resistance will be 1 ohm if 1 ampere of current passes through the conductor due to 1 volt of potential, or 1 volt of potential causes 1 ampere of current to flow through a conductor, then resistance of that conductor will be 1 ohm. इसको हम इसीलिए 1 ओहम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज अ कांस्टेंट फैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। ये सिर्फ मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। या आप यूं कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। ये एक मटेरियल के लिए प्रॉपर्टी तो कांस्टेंट है, बट कैन बी वेरीड by dimension, by changing the dimension of particular length of wire, उसे हम 1 ओहम का नाम देते हैं। ठीक है, hopefully you get the concept of resistance.